भारतीय टीम ने 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद विराट कोहली ने एक बड़ा ऐलान किया है। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह टेस्ट और वनडे में खेलना जारी रखेंगे, लेकिन T20 क्रिकेट में ये उनका आखिरी मैच था। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद कहा कि यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। यह वही कप है जिसे हम हासिल करना चाहते थे। अब अगली पीढ़ी के लिए T20 खेल को आगे ले जाने का समय है। ICC टूर्नामेंट जीतने का इंतजार करते हुए हमारे लिए यह एक लंबा इंतजार रहा है। आप रोहित जैसे खिलाड़ी को देखें, उसने 9 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं और यह मेरा 6ठा वर्ल्ड कप है। वह इस जीत का हकदार है। यह एक अद्भुत दिन है और मैं आभारी हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जिताने में विराट कोहली का बड़ा योगदान रहा। विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंदों पर 76 रन बनाए। इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। बता दें, इस टूर्नामेंट में विराट कोहली का बल्ला शांत रहा था, लेकिन उन्हें सही समय पर फॉर्म में वापसी की और टीम इंडिया को चैंपियन बनाया।